यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। आज किसानों की बात करेंगे, क्योंकि किसानों की ओर से 10 दिन का गांव बंद आंदोलन शुरू कर दिया गया है, जिसका दूसरा दिन है। मामले पर सियासत भी जोरों पर है। दरअसल मोदी सरकार की कथित किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रीय किसान महासंघ की ओर से राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाई गई है। इस बंद के पहले दिन ही दूध और सब्जियों की जो आपूर्ति है उस पर खासा असर नजर आया है। कई जगहों पर इनकी कीमत भी बढ़ी है, कई जगह पर स्थिति बिगड़ती भी नजर आई है और अब बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। तो आज इस हड़ताल का दूसरा दिन है। देश का अन्नदाता सड़कों पर उतर आया है। राष्ट्रीय किसान महासंघ ने केंद्र सरकार की कथित किसान विरोधी नीतियों के विरोध में देश के 22 राज्यों में 1 जून से 10 जून तक हड़ताल का ऐलान किया है। इसी पर पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है, यानी वो व्यक्ति जिसके वजह से देश के लोगों का पेट भरता है। जिस देश में अन्नदाता दुखी हो वो देश कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए अगर देश का किसान कुछ कहना चाहता है तो उसकी बात सुनना पूरे देश की पहली जिम्मेदारी है। जी हाँ, देश का अन्नदाता कथित किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर है। शुक्रवार से शुरू हुआ आंदोलन दूसरे दिन पर है। कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने समेत 32 मांगों के समर्थन में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में किसान सड़कों पर है। ये जग जाहिर है कि किसानों के मुद्दों के साथ पूरे देश में सहानुभूति है, लेकिन आज विरोध प्रदर्शन के दौरान जिस तरह की तस्वीरें देखी गयी वो कितनी ठीक है, ये भी एक सवाल है। चूँकि विरोध के दौरान पूरे देश में ये देखा गया कि महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में विरोध के नाम पर सड़कों पर दूध बहाया गया। किसान सरकार से स्थायी न्यूनतम आय की मांग कर रहे थे, ये समझना मुश्किल है। हालांकि ये बात ठीक है कि किसानों को उनकी लागत के हिसाब से मूल्य नहीं मिल पाता। ऐसे में सरकार की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि फसल का इतना समर्थन मूल्य दिया जाए जिससे किसानों को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन किसानों की परेशानियों पर सियासत भी है। किसान आंदोलन पर हरियाणा के सीएम कहते हैं कि हड़ताल से किसान अपना ही नुकसान कर रहे हैं, किसानों के पास कोई मुद्दा नहीं है। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का कहना है कि इस हड़ताल या फिर आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। सीएम मनोहर लाल खट्टर के बयान के बाद राजनीति गति पकड़ गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम के बयान पर पलटवार किया, कहा कि किसान आज बीजेपी सरकार में पूरी तरह से परेशान है। किसानों का ये आंदोलन गूंगी और बहरी सरकार की आंखें खोलने के लिए है। इस मामले में पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार भी किसानों के साथ खड़ी है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को पूरा समर्थन दिया गया। पंजाब के सीएम ने कहा कि किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। किसान खेत में मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन उसे पूरा मुनाफा कभी नहीं मिल पाता। कभी बिचौलिए, कभी पूंजीपति उसका हिस्सा हड़प लेते हैं और ये भी कारण है कि किसान खुदकुशी करने को भी मजबूर है। लेकिन फिलहाल आंदोलन बुलाया गया है और 10 दिन के आंदोलन के बाद देश बंद का भी आह्वान किया गया है। किसान सरकार पर दबाव बनाने में कितना कामयाब रहेगा, क्या किसानों की मांगें सरकार सुनेगी, या फिर एक बड़ा सवाल ये भी, क्या किसान चुनाव के लिहाज से सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मांगे बनवाने के लिए कोशिशें कर रहा है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो देश का अन्नदाता हड़ताल कर रहा है, सड़कों पर है, 10 दिन का गांव बंद आंदोलन शुरू किया गया है। ऐसे में आंदोलन का आज दूसरा दिन है। स्वाभाविक तौर पर विपक्ष साथ देता ही है। किसी भी धरने प्रदर्शन की बात कर ली जाए, खिलाफत की बात कर ली जाए, विपक्ष साथ नजर आया है। लेकिन पंजाब सरकार की बात कर ली जाए तो पंजाब सरकार भी किसानों का साथ समर्थन करती है। पंजाब के सीएम ने क्या कहा, साथ ही हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को औचित्य नहीं लगता है इस आंदोलन का, ठीक नहीं लगता है। उनका कहना है कि किसान खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। सुनिए, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि किसानों के साथ धक्का हो रहा है। दी स्वामीनाथन रिपोर्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन फुल, वो नहीं कर रहे तो यही रिएक्शन होगा। देखिए, जो भी कोई किसी के साथ जबरदस्ती का अगर ऐसा कोई काम किया जाएगा और किसी के काम में अवरोध पैदा किया जाएगा तो ये स्थिति हमको मंजूर नहीं है और निश्चित रूप से जो इस प्रकार की जबरदस्ती करेंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो हरियाणा के सीएम का कहना है कि काम अगर बाधित होगा तो स्थिति मंजूर नहीं की जाएगी। सरकार को स्थिति मंजूर नहीं है, अगर स्थिति बिगड़ी तो एक्शन लिया जाएगा,
काम किया जाएगा, इस पर चर्चा हम करेंगे कि कितनी जायज मांगे हैं, तरीका कितना जायज है और कितना सरकार पर दबाव बनाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं और विपक्ष का पक्ष कितना ठीक है। खास पैनल हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, इनेलो प्रवक्ता दिलबाग नैन साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन रॉय हमारे साथ हैं, साथ ही हरियाणा बीजेपी से जवाहर यादव साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सभी का स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत भी करेंगे किसानों के साथ साथ हम सरकार और विपक्ष का पक्ष जानेंगे कि कितनी क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ सियासी बयानबाजियां की गई हैं, क्योंकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कहा गया है कि आंदोलन जो है सोई और गूंगी साथ ही बहरी सरकार की नींद खोलने के लिए काफी है, नींद खोलेगा। लेकिन क्या चुनावी समय चूंकि नजदीक है, क्या दबाव बनाया जा रहा है सरकार पर, क्या विपक्ष राजनीति कर रहा है किसानों के जरिए, इस पर पहला जवाब हम लेंगे बीजेपी से। जवाहर यादव साहब, किसान आंदोलन कर रहे हैं, हरियाणा के सीएम को लगता है कि किसान अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्या वाकई किसान आंदोलन के जरिए सिर्फ अपना ही नुकसान कर रहे हैं? देखिए, वर्तमान परिस्थिति तो जो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा वो मुझे ठीक प्रतीक होता है, इसलिए मैं उदाहरण सहित बताऊंगा। अभी आपने मुझे कैप्टन अमरिंदर की बाइट सुनाई और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शब्दों को आपने अपने मुख से बोला जी। 2004 में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में उसने स्वामीनाथन आयोग का गठन किया, 2006 में उसकी रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री की एक पांच मुख्यमंत्री की कमेटी बने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी के चेयरमैन बने। बिल्कुल साफ साफ करना आपने था, करना यूपीए की सरकार ने था। 2006 से आपने कमेटी बनाई, 2006 में कमेटी की रिपोर्ट आ गई, मुख्यमंत्री की कमेटी बना दी। निर्लज्जता की हद देखिए, जिनकी जिम्मेवारी थी उन्होंने कुछ किया नहीं। उसके बाद मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 3 जून 2017 का स्वामीनाथन का खुद का ट्वीट पढ़िए, उन्होंने 3 ट्वीट किए 3 जून 2017 को, वो आज भी उनके ट्वीट के रिकॉर्ड पे जाके देख। जवाहर यादव जी, आप कह रहे हैं कि जो पहली सरकार थी उसी की जिम्मेदारी थी? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, अरे मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी सरकार पे आ गया, 2017 तो हमारी सरकार आ गई ना, 2017 3 जून 2017 को स्वामीनाथन खुद 3 ट्वीट करके कहते हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पालन करने में ठीक है, जिस सरकार ने सबसे अधिक कार्य किया वो मोदी सरकार है। स्वामीनाथन आयोग है क्या? क्या केवल स्वामीनाथन आयोग केवल समर्थन मूल्य में 50% लाभ है? सर, आपकी सारी बातें मानेंगे, जवाहर यादव साहब आपकी बातें तथ्यात्मक भी हैं कि 2006 में जब रिपोर्ट आ गई थी तो कांग्रेस ने आनाकानी क्यों की, लेकिन इस बात का जवाब दीजिए कि चुनावी वादा तो बीजेपी का है, कांग्रेस से क्यों जवाब लिया जाए इस बात का? हाँ, अब हमसे जवाब लीजिए। स्वामीनाथन ने, हाँ इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोगों को मुझे लगता है राजीव जी शायद यहाँ पत्रकार बैठे हैं, ये इसको और ज्यादा स्पष्ट कर देंगे। स्वामीनाथन ने केवल एक बात नहीं की, स्वामीनाथन ने अनेकों बातें की, जिसमें स्वामीनाथन ने खुश होकर ट्वीट किया, उन्होंने कहा मिट्टी की जांच होनी चाहिए, हमने 24 लाख खेतों की मिट्टी की जांच कराई। उन्होंने कहा पानी है तो आपके महेंद्रगढ़ भिवानी और रेवाड़ी में 35 साल बाद बंसीलाल जी की बनाई हुई नहरों में पहली बार 35 साल में पानी पहुंचा, जिससे लगभग 1 लाख एकड़ में अधिक फसल हुई, ये हमारी सरकार का। उन्होंने कहा बीज उन्नत होना चाहिए, इसलिए 4 लाख क्विंटल से अधिक उन्नत बीज हमारी सरकार ने दिया, ऐसी अनेक। उसके अलावा उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना होनी चाहिए, मेरे इनेलो के मित्र यहाँ बैठे हैं, फसल बीमा योजना सबसे पहले 21 ब्लॉक में ओम प्रकाश चौटाला जी ने शुरू की। उसके बाद 2005 चुनावी वर्ष आ गया, उन्होंने वापस ले ली। उसके बाद 4 जिलों में श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की, जिसमें डायरेक्ट पैसे कटता था, जैसे अब तक 7% राकेश शर्मा जी, अब आप लोग हिमायती बनते हैं, बरोकार बनते हैं किसानों के, लेकिन आपके वक्त में किसानों के लिए कितना किया गया? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें आप लोग भी लागू कर सकते थे, जिसके लिए 7 समर्थन देते हैं कैप्टन साहब पंजाब से। देखिए ज्योति जी, उस समय जब रिपोर्ट आई और उसमें कमेटी बनी, कमेटी में अभी कार्य पूरा नहीं किया था, इस दौरान हमारी सरकार चली गई, इसलिए ये लागू नहीं कर पाए। दूसरी बात मैं बता रहा हूं आपको, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के ये एजेंडे में था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करना, अगर हमने नहीं किया तो क्या भारतीय जनता पार्टी लागू किया? दूसरी बात, आज अभी मैं मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ रहा था कि हम किसानों के साथ सख्ती से निपटेंगे, तो अब कर्मचारियों के बाद या किसानों पर लाठीचार्ज करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार? भारतीय जनता पार्टी सरकार हरियाणा में हर मोर्चे पे भी फिर रही है, इसमें कोई दोराय नहीं, और जनता का इनसे मोह भंग हो चुका है, अब ये जनता में जाने लायक नहीं है, कर्मचारी के खिलाफ है, व्यापारी इनके खिलाफ है, किसान इनके खिलाफ है, किसानों के हितैषी हैं क्या आप लोग? हाँ,
तो 2006 में जब रिपोर्ट सौंप दी गई थी उसी आयोग की रिपोर्ट के लिए आप सात समर्थन क्यों देते हैं? उस वक्त क्यों नहीं सोचा गया, प्राथमिकता में क्यों नहीं शामिल किया गया, बताइए। जवाब ही नहीं राकेश जी के पास, जवाब ही नहीं है जवाहर यादव साहब। लेकिन अब चूंकि आपके आप क्योंकि जब वोट आते हैं तो बड़ी बड़ी जोर शोर से कहा जाता है कि हम कर्ज माफी करेंगे, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन उसके बाद में मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कोई मुद्दा ही नहीं है, अनावश्यक मुद्दा बना रहे किसान इसको। हाँ, वो इसलिए कहा मुख्यमंत्री जी की अनावश्यक मुद्दा कहा। एक तो मेरे कांग्रेसी मित्र ने थोड़ा शब्द में इनके ठीक करता हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम किसानों से सख्ती से निपटेंगे, उन्होंने कहा जो किसी के मामलों में अवरोध पैदा करेगा, किसी की स्वतंत्रता छीनेगा उसके सख्ती से निपटेंगे। किसान शब्द इस्तेमाल नहीं किया, किसान अपना हक लेने के लिए सड़कों पर उतर रहा है क्या, गलत काम कर रहा है क्या यादव साहब? सर आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रहा था। जी जी। सुनेंगे सर। अगर कोई किसी की जबरदस्ती दुकान बंद कराएगा उस पर कानून अपना काम करेगा, मैं उन शब्दों को रिपीट कर रहा हूँ। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमने क्या किया, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय में 6,000 रुपए मुआवजा मिलता था, जब इनकी गोहाना की रैली हुई उस समय इन्होंने 10,000 रुपए अनाउंस किया। स्वामीनाथन कहते हैं कि 10,000 रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, हम 12,000 दे रहे हैं, ये 6,000 देते थे। स्वामीनाथन की मांग हमने मानी ना, उन्होंने 10,000 रिकमेंडेशन की, हमने क्या सारी मांगे आपने मान ली है यादव साहब? क्या सारी मांगे मान ली गई है स्वामीनाथन आयोग की जो थी? हाँ, देखिए स्वामीनाथन आयोग के प्रति हम कमिटेड है, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, उसके बाद जल्दी ही गेहूं के जो फसलों का समर्थन मूल्य है, हो गया है कर्ज माफी की, बड़ी जोर शोर से वादे किए जाते हैं, बातें कही जाती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद महज वोट बैंक के लिए कब तक इस्तेमाल करेंगे सर? दस सेकंड। एक तो स्वामीनाथन ने कहीं भी कर्ज माफी की बात नहीं की, स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहिए। तो उनकी जो किसानों की मांगे हैं वो साथ में कर्ज माफी भी है। अब मुझे 10 सेकंड दे दीजिए केवल। हमने किसान स्वामीनाथन आयोग की अनेकों रिपोर्टों को, अनेकों मांगों को लागू किया। एक मुख्य मांग उनकी बची है कि लाभांश 50% जोड़े, जल्दी मानिए आने वाले महीने तो चलिए आएंगे आपके पास, को भी समाप्त कर देंगे, और लागत से 1.5 गुना का भी क्या सत्य है उस पर भी चर्चा करेंगे, आएंगे आपके पास। नैन साहब, अभी सीएम की ओर से कहा गया कि किसानों के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्या किसान अब मुद्दा ढूंढेंगे या फिर अपनी मांगों को मनवाने के लिए रास्ता ढूंढेंगे, जरिया ढूंढेंगे? देखो ज्योति जी, ऐसे है अभी तो ये कह रहे हैं कि भी किसानों के पास मुद्दा ही नहीं है। मैं तो ये समझूंगा कि सीएम साहब को किसानों के बारे में जानकारी ही नहीं है। अगर सीएम साहब को किसानों के बारे में जानकारी होती तो ये बात कहते ही नहीं। जैसे जैसे इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो किसानों के बारे में स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात की थी, सबसे पहले जो किसानों का मुद्दा था वो भाव का मुद्दा था, जो कि अभी तक अभी जवाहर यादव भी ये कह रहे हैं कि जी एक मुद्दा हमारा रह गया, मेन मुद्दा वो था भाव का। किसान जब फसल लेके मंडी में जाता है वो परिवार को पता नहीं कितनी कमिटमेंट करता है कि मैं आपके कपड़े सिलाऊंगा, मैं आपको ये ले आके दूंगा, बच्चों कहता मैं आपकी फीस जमा कराऊंगा, तो किसान वहां पे जाता है तो उसको भाव मार लेता है। जो भाव मार्केट का जो सरकारी भाव होता है उससे भी आधा भाव मिलता है। जैसे अब सरसों में हुआ, सरसों में 42 रुपए गवर्नमेंट का रेट था तो इन्होंने 32 रुपए दिया। आप लोग भी सरकार में रहे, हालांकि बीजेपी भी आपको समर्थन देती रही, लेकिन बिल्कुल। सवाल ये है कि आपकी सरकार के वक्त भी किसानी नुकसान का ही सौदा थी, अब भी नुकसान का ही सौदा है, ये लंबी चलने वाली प्रक्रिया भी है, सभी सरकारों को इसमें काम करने की जरूरत भी है, सिर्फ सरकार को कोसने से क्या काम चल जाएगा? ज्योति जी, ऐसे है कि किसान जो सरकार हमारी किसान हितैषी सरकार है, पार्टी है, जितने भी चौटाला साहब ने आज तक जितने मंडियों में जाके जितने भाव हमारी सरकार ने दिए हैं 2005 तक, मैं कहता हूं अभी जाके ना आप किसी भी मंडी में जाके पूछ लीजिए, आपको व्यापारी भी और किसान भी ये कह रहा है कि चौटाला साहब की सरकार बहुत अच्छी सरकार है, हर हमेशा जो है किसान पिसता रहा है, हर सरकार के दौरान किसान पिसता रहा है। राजीव रंजन रॉय साहब, अगर एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर डालें तो हर साल 12,000 के करीब जो किसान है वो आत्महत्या कर रहे हैं, साल दर साल वृद्धि हो रही है, फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कोई मुद्दा ही नहीं है, अनावश्यक मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, सबसे जो बड़ी बात है हिंदुस्तान में, जो सबसे दुर्भाग्य की बात है, जो हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप है, फार्मर्स के प्रति उनका जो कमिटमेंट है वो ऑनेस्ट नहीं है। वो फार्मर्स को वोट बैंक के रूप में यूज करते हैं, वो फुटबॉल के रूप में यूज करते हैं, और जब जिसकी सरकार होती है वो उसके हितैषी बन जाते हैं, जब उनकी सरकार चली जाती है, जिसकी सरकार बनती है उसकी वो क्रिटिक बन जाते हैं।
अब जो ट्रेंड चला है वह यह चला है कि फार्मर्स में जो पावरफुल फार्मर्स हैं, जो बिग फार्मर्स हैं, उसको ये एजेंट के रूप में यूज करते हैं। छोटे जो फार्मर्स हैं उनके पीछे वो झंडा लेकर के चलते हैं और उनकी सब्जी वगैरह ये ला करके सड़क पे फेंक देते हैं। बेचारे कहीं के नहीं रहते हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। एक थोड़ा बहुत जो उपज है वो भी चला जाता है और सरकार से कुछ मिलना नहीं है। अब यह समय आ गया है कि जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उसको आप ज्यादा दाम क्यों नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात है ज्योति जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये जो एमएसपी का ये जो झूठ का जो फैलाया जा रहा है, भारत में एमएसपी का आपकी प्राइस कितनी होगी आपकी प्रोड्यूसर्स की, खासकर व्हीट और पैडी की, आपका जो एग्रीमेंट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट प्रोविजंस के तहत, अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑब्जेक्शन डाला है कि आप अपने किसानों की दाम बढ़ा रहे हैं, इससे हमारे किसान उससे उनको नुकसान हो रहा है। देखिए सरकार को सारी चीजें पता है, लेकिन सरकार की प्रॉब्लम है कि वो ईमानदारी से सारी चीजें लोगों को बता नहीं सकते। नहीं तो एमएसपी में क्या प्रॉब्लम, लागत को भी अपनी सहूलियत नहीं, नहीं दे सकते। लागत कितनी है उसमें भी पेच है। आपको बायफरकेट करना पड़ेगा, आपको यह कहना पड़ेगा कि जिसके पास 2 एकड़ जमीन है उसको हम ज्यादा सपोर्ट करेंगे, जिनके पास 20 एकड़ जमीन है उनको कंपेयर्ड टू द फार्मर्स कम सपोर्ट मिलेगा। स्वामी इंद्र जी है हमारे साथ किसान नेता, फोन लाइन पर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। दूसरा दिन है आज आंदोलन का, सीएम ये कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है और ये कोई मुद्दा भी नहीं है, आप लोग मीडिया का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं और व्यवस्था अगर बिगड़ी, अवरुद्ध अगर किया गया काम को तो एक्शन भी लिया जाएगा, सीएम ने कहा। देखिए मैं पहले ये बात साबित करता हूँ, किसान जो है किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं करेगा। किसान आज अपनी बात को समझाने के लिए अपने घरों में बैठा हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि सरकार ने किसानों को भाव नहीं दिया। हेलो जी, तो सरकार द्वारा किसानों को भाव नहीं मिल रहा और सरकार ने जिस प्रकार से किसानों को लूटने के लिए योजना व तरीके से जो नीति व तरीके से काम किया है, जैसे भावांतर योजना है, सारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे सर, लेकिन अभी सवाल आपसे ये है कि जबरदस्ती किसी की दुकानें बंद करवाया जाना क्या ये ठीक है? अगर कोई व्यापारी अपनी सब्जियों को लेकर, सुनिए स्वामी, ठीक है, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हो सकता है हम इनकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो शुरुआती तौर पर आरोप लगे हैं आप लोगों पर कि कई जगहों पर खासतौर में फतेहाबाद से तस्वीरें सामने आई, व्यापारियों की सब्जी को जबरदस्ती सड़कों पर फेंका जाना, क्या ये आंदोलन है आप लोगों का? नहीं, ये हमारा आंदोलन नहीं है, इसमें सरकार के ही जो इनका खुद का किसान मोर्चा है उनके कार्यकर्ता पाएंगे वो, आपको भारतीय किसान यूनियन का ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं पाएगा जी। और ना ही भारतीय किसान यूनियन इस प्रकार की घटनाओं में विश्वास रखती है। यानी आप कह रहे हैं जो जहाँ पर दूध फेंका जा रहा है, सब्जियां फेंकी जा रही है, सब सरकार की ओर से करवाया जा रहा है, किसान नहीं कर रहा है? सरकार के द्वारा ही एक योजना तरीके कराया जाए, सरकार का फर्ज था कि किसानों को राहत दे, ना कि सरकार का फर्ज ये है कि किसानों को डराए धमकाए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का बयान है वो डराने धमकाने का बयान है, जवाहर यादव जी डरा धमका रही है सरकार किसानों को लगाने का। देखिए हेलो, अब मेरा निवेदन है, मुझे बीच में कोई टोकेगा नहीं, मैं दो उत्तर देना चाहूंगा स्वामी जी का भी और दिलबाग नैन जी का भी। बताइए, स्वामी जी कह रहे हैं कि ये इनके युवा मोर्चा, इनके किसान मोर्चे के कार्यकर्ता कर रहे हैं, आप इस बात को कह रहे हैं, मुझे लगता है कि तथ्यों के साथ बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, नंबर एक। दूसरा, कल मेरे साथ चिडूनी जी किसान नेता के रूप में बैठे हुए थे एक चैनल पर, ये भावांतर योजना की आलोचना कर रहे हैं, उनका कहना यह था कि भावांतर योजना में जटिलताएं हैं, परंतु वो इस बात से सहमत थे कि अगर 1 रुपए का टमाटर सरकार 5 रुपए में लेती है तो उसमें दिक्कत नहीं, उसकी जटिलताएं ठीक करनी चाहिए। तो इन दोनों नेताओं में अंतर आ गया। अब मैं आता हूं, इन्होंने भावांतर योजना का विरोध किया, भावांतर के द्वारा स्वामी इंद्र जी एक एक करके जवाब देंगे सर, आप दोनों ही फोन लाइन पर हैं, एक साथ बोलेंगे दर्शक नहीं सुन पाएंगे, आपके पास आएंगे। अब मैं उत्तर देना चाहता हूँ स्वामी जी को। स्वामी जी, हमने कमिटमेंट किए हैं पूरा का पूरा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को हम 100% लागू करेंगे। अब मैं आता हूँ अपने दिलबाग नैन जी के ऊपर, कब करेंगे लागू, कब करेंगे आप ये बताएं। अरे तुम तो लीजिए ना, ये लागू करेंगे, अगर उसमें से 90% चीजें मान ली तो विश्वास रखिए 10% भी हो जाएगी, यानी कि अगले चुनाव तक मुद्दा तो बचा के रखेंगे ना। अरे दिलबाग जी का उत्तर देने में दीजिए ना, नहीं तो फैल जाएगी। दिलबाग जी ने कहा कि हमारी पार्टी किसानों की पार्टी और चौटाला साहब ने बहुत किसानों के लिए अच्छे काम किए। अब मेरा दिलबाग जी निवेदन है कि ध्यान से सुन लीजिएगा, किसानों के ट्रैक्टर पे टैक्स लगना
2008 अगर उस नियम को लागू किया जाए सख्ती से, हर किसान जेल के अंदर मिलेगा। उसके जन्मदाता ओम प्रकाश चौटाला है, 2003 का नोटिफिकेशन चेक कर लेना दिलबाग जी, मैंने वो कॉपी पहले भी दी थी, आपको दोबारा भेज दूंगा। उसके बाद इन्होंने कहा किसान एसीसी मानने वाले लोगों ने कि हम बिजली के बिल माफ करेंगे, किसान बिजली के बिल माफी करना, इन्होंने गोलियां ठाई ठां ठां करके कंडेला कांड कर दिया। उसके बाद 2004 में जो दक्षिण हरियाणा को पानी जाता था एक विशेष क्षेत्र में, उस पानी को रोककर एक विशेष क्षेत्र में दे दिया, और ये कहते हैं किसान हितैषी सरकार है। किसानों पे गोलियां चलाने वाले, ट्रैक्टर पर टैक्स लगाने वाले, और दक्षिण हरियाणा का पानी आप मानते हैं आपकी सरकार जो है वो किसान हितैषी है? जवाहर यादव साहब, ट्रैक्टर का जिक्र किया, ट्रैक्टर का जिक्र करेंगे तो इनेलो ये भी कहेगी कि आप लोग तो कमर्शियल वाहनों में शामिल करने वाले थे, इनेलो ने रोका, इनेलो क्रेडिट लेती है इस बात का। अरे मैं वही तो बता रहा हूँ, वही ओम प्रकाश चौटाला जी करके गए थे, वो ओम प्रकाश चौटाला जी करके गए थे 2003 में। मैंने इनकी वही तो इनको कॉपी दी नोटिफिकेशन की, उनको पता ही नहीं था। यादव साहब, दुष्यंत चौटाला जी ने स्टेप लिया पूरे हरियाणा के अंदर, एक दुष्यंत चौटाला जी है जिन्होंने ये काम किया है, नहीं तो आपको तो आपने तो कॉमर्शियल लागू कर दिया था कि ट्रैक्टर को हर उसमें टैक्स देना, हर स्टेट में जाए टैक्स देना, हरियाणा में उसका टैक्स देना। सुन लीजिए जल्दी बात पूरी कीजिए। चौटाला जी को करने से पहले पता ही नहीं था कि 2003 में उनके जन्म मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी 2003 में कर गए थे। जब मैंने नोटिफिकेशन की कॉपी दी तब सब जगह शांति हो गई, करने वाले उनके दादा श्री थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। आपने जवाब दिया, यादव साहब आपने जवाब दिया, अभी आपके जवाब पर स्वामी इंद्र जी को बोलना है, बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जवाहर यादव जी, जो पूर्व की सरकारों ने गलतियां की हैं, क्या बीजेपी वही गलतियां दोहराएगी? जवाब दीजिए। पूर्व की सरकारों ने किसानों के लिए कोई राहत भरा कदम नहीं उठाया तो क्या बीजेपी भी किसानों को राहत नहीं देगी? हाँ, जबकि आपके बार क्लियर था कि सत्ता में स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। बिल्कुल, चार साल आपने निकाल दी केंद्र में, लगभग चार साल आप प्रदेश के अंदर निकाल रहे हैं, आपने एक ठीक है इस बात का जवाब दीजिएगा, आपको समय दिया था यादव साहब। अभी स्वामी इंद्र जी आपसे सवाल हम ये करेंगे, यादव साहब आएंगे इकट्ठे जवाब दीजिएगा। स्वामी इंद्र जी, सवाल आपसे ये है, आप शुरुआती तौर पर सारे ही सरकार के कामकाज को खारिज कर देते हैं कि सरकार योजनाबद्ध तरीके से किसानों को लूटने का प्रयास कर रही है। आप कभी ये नहीं कहते कि ये योजना अगर लेकर आए थे तो इसमें सुधार की गुंजाइश है, अगर सरकार ने ये कदम उठाया है तो इस तरह से बेहतर हो सकता था। फिर क्यों ना कहा जाए कि राजनीति भी है और सरकार पर दबाव बनाने की भी कोशिशें हैं? देखिए, सीधी सी बात यह है, अगर कोई योजना बनाई जाती है उसमें सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। ये गुंजाइश सिरे से खारिज तो नहीं करेंगे ना कि सरकार योजनाबद्ध तरीके से किसानों को लूट रही है, सरकार की मंशा में ही खोट है। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, भावांतर योजना की जो बात है, उस समय आलू की बिक्री हो रही थी, भावांतर योजना आई तो मुख्यमंत्री का बयान ये आता है कि ये भावांतर योजना इस आलू के ऊपर नहीं है, अगली बार जब आएगा तब है, तब आलू पीटा गया, और आज आलू बाजार में 20 रुपए किलो है, किसान से 1.5 रुपए खरीदा गया, तो उस समय स्वामी इंद्र जी जवाहर यादव जी कह रहे हैं कि 90% तक स्वामीनाथन आयोग के अंदर जो सिफारिशें थी वो सरकार ने लागू कर दी है, अब जो 10% है उसके लिए इंतजार कर लीजिए, आगे 1.5 साल है कि आपका पूरा कर दें। स्वामीनाथन की रिपोर्ट है किसानों को पानी दिया जाए, सरकार ने दादूपुर नलवी नहर को बंद कर दिया है, इनसे पूछिए कि दादूपुर नलवी नहर में क्या समस्या है, किसानों को एक तरफ जोन करते हैं, दूसरे चलिए दादूपुर नलवी नहर पर बीजेपी क्या की रिपोर्ट का हवाला देगी, किसानों को फायदा नहीं, किसान था ये भी कहा जाएगा, हम चर्चा में लेकिन आगे बढ़ेंगे जी। आएंगे यादव साहब, मैंने कहा सर आपको समय दिया, आपको समय देंगे और भी, क्योंकि कई जवाब आपको देने हैं। राजीव रंजन रॉय जी, अभी ये आरोप किसानों पर है कि राजनीति का शिकार हो रहे हैं, विपक्ष भी इनके जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशें कर रहा है, सरकार के पास लंबी फेहरिस्त है कामकाज की किसानों को लेकर। ये ज्योति जी देखिए, मेरा एक आंसर भी होगा आपके सवाल का और ये क्वेश्चन भी होगा। कांग्रेस भी देखिए फार्मर्स के पक्ष में काम करती है, INLD भी फार्मर्स के पक्ष में काम करती है, और जो बीजेपी है वो भी फार्मर्स के हित में काम करती है, फार्मर्स के जो लीडर्स हैं वो भी फार्मर्स के हित के लिए लड़ाई करते हैं, तो फिर सारी प्रॉब्लम्स फार्मर्स के लिए क्यों खड़ी हो रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका एक रीजन यही है कि फार्मर्स के प्रति जो कमिटमेंट है उसमें ईमानदारी ना भारतीय जनता पार्टी में है, ना कांग्रेस में है, ना INLD में, किसी पॉलिटिकल, और दुर्भाग्य की सबसे बड़ी बात है जो फार्मर्स के जो लीडर्स हैं, हाँ फार्मर्स के नाते जो लीडर्स हैं उनको भी पता नहीं है।
उनका भी पता नहीं है। अगर वाकई में यहाँ पर पूरी ईमानदारी से किसानों के लिए काम करेंगे तो कहीं वोट बैंक का जो एक मुद्दा जो हर चुनाव में देखने को मिलता है किसान, बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि चूंकि फार्मर्स को जब तक आप वोट बैंक के रूप में यूज करेंगे उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगी। फार्मर से आप बातचीत नहीं करते हैं, उनके जो मिडिल मैन है जिसको हम फार्मर लीडर्स कहते हैं आप उनसे बातचीत करते हैं, फार्मर्स को कोई सुनता ही नहीं है। यही मुद्दा था, यही मुद्दा था, इसीलिए 9 साल तक भी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की, मुद्दा चला जाता हाथ से। कांग्रेस के समय में अवंतिका जी कभी भी किसान को सड़कों पर आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ी। कांग्रेस की सरकार के समय में कांग्रेस की, मैं बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस की सरकार के दौरान कामकाज को लेकर जवाब नहीं है। कांग्रेस के समय में कभी भी सूरजमुखी खेती के लिए स्पेशल गिरदौरी नहीं करनी पड़ी किसान की। अरे कांग्रेस के टाइम में दादूपुर नलवी नहर बनी जो भारतीय जनता पार्टी में बंद हुई, वो किसान के ऊपर सीधा सीधा नहर का लंबा इतिहास हो जाएगा सर, अगर उस पर चर्चा करेंगे तो कितना काम करवाया, कितना फायदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जो कमिटमेंट किसानों से की थी वो कोई पूरी नहीं की। आपकी सरकार ने कौन सा काम किया ये बताए ना। हमारे टाइम में कांग्रेस खुश, किसान खुश था, कोई दिक्कत नहीं थी। कब सर ने बंद किया? 2006 से मांग चल रही है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की, जब से रिपोर्ट आई है। देखिए ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, सरकार ने खुद इसको लिंगरोन किया है, भले कांग्रेस की हो भले या बीजेपी की हो, ये किसानों को सीधा रिलीफ नहीं देना चाहते इसको। वास्तव में ये जो आज चर्चा निकल के आई है कि किसानों को सिर्फ वोट बैंक ही समझा गया है, ना कि देश का एक सभ्य नागरिक। अगले जवाब में आपको समय ज्यादा देंगे। किसान को दबा कुचला ही रखना चाहते हैं। अब किसान ये कहते हैं कि कर्ज माफ कर दिया जाए, क्या कर्ज माफ किया जाना क्या लंबे समय के लिए कोई समाधान हो सकता है या सिर्फ फौरी राहत जिसके नाम पर पार्टियों को वोट भी मिल जाता है चुनाव से पहले वादा करके। ज्योति जी ऐसे है कि किसानों के ऊपर इतने कर्ज चढ़ चुके हैं इस सरकार के अंदर, मैं तो ये कहता हूं कि भी जो चार साल के कर्ज चढ़े हैं ना, जो चार साल में ब्याज लगे और कर्ज चढ़े यही माफ कर दें तो किसान अपने आप को इससे छुटकारा पा लेंगे। अभी अभी 5 दिन पहले शायद आपने भी देखा होगा जींद में इन्होंने नोटिस दे दिए किसानों को के भी या तो पैसे कर्ज चुकाओ नहीं तो हम आपको पकड़ेंगे अंदर करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या किसान ही आपको कर्ज चुकाने के लिए मिलते हैं जिन्होंने 2,000, 4,000, 2,00,000, 5,00,000 तक के कर्ज ले रखे होंगे, और इन्होंने ये जो इनके लूट लूट के ना बाहर भेज रहे हैं इनको, तो ये किस लिए भेज रहे हैं? माल्या को इन्होंने भेज दिया, ठीक है, अगर सर जवाब दीजिए ये क्यों भेज रहे हैं आप पर आरोप? किसान को 2,000 रुपए के लिए विपक्षी आरोप लगाता है कि किसानों की सरकार नहीं पूंजीपतियों की सरकार है, अलग अलग नजरिया है एक ही मुद्दे पर एक ही समस्या पर दोनों को देखने का। जवाहर यादव सर बिल्कुल आपसे आपसे मैं सभी साथियों का उत्तर देना चाहता हूँ। पहले तो एक विषय है, एक लाइन में खत्म करूंगा, दादूपुर नलवी का, तो मेरे कांग्रेसी मित्र को और मेरे किसान नेता जो हैं उनको पता होगा ये दादूपुर नरवली नलवी जो नहर है कांग्रेस की सरकार में बननी थी, इसकी अनेकों ब्रांच निकलनी थी, 30-35 के आसपास इस ब्रांचेज निकलनी थी जिसको कांग्रेस ने नहीं बनाया, और कांग्रेस की ही सरकार में वहां के किसानों ने एफिडेविट दिया इसकी ब्रांचेस नहीं निकाली गई, इसके कारण जो पानी आगे जाता है बाद में वो बैक मारता है और हमारा सारा एरिया डूब जाता है। ये निर्णय ये सारा का सारा प्रोसेस कांग्रेस की सरकार में हो चुका था। ये आरोप ये भी लगे यादव साहब कि उन किसानों को प्रोजेक्ट ही सरकार ने किया था जिनकी ओर से कहा गया कि दादूपुर नलवी नहर को बंद किया जाना अच्छा फैसला है। मैं एक एक का उत्तर दे रहा हूँ, तो इनके समय का निर्णय आरोप हम पर लगेंगे, ये इनकी है, ये किसान जानता होगा वहां का। अब आ रहे थे कि किसान के लेकर जो मेरे साथी मैं अधिकतर विषय भूल गया, क्या भावांतर योजना की बात थी जो चली थी, भावांतर योजना एक रुपए की चीज, वो कहते हैं कि एक किसान का टमाटर निकल गया आलू का, अरे अब तो आ गया, उसमें एक आइटम तो है नहीं, उसमें 4 सब्जियां हैं, हर सब्जी का अगर उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो ये देश में पहली बार हुआ है, और स्वामीनाथन ने इसकी भी तारीफ की है। स्वामी जी आपको थोड़ा अध्ययन करना चाहिए स्वामीनाथन जी का। किसानों की दुर्दशा को लेकर किसानों की जो
स्थिति बनी हुई है देश में उसको लेकर, क्योंकि किसानों ने अब गांव बंद का आंदोलन का शुरुआत कर दी है। दूसरा दिन आज इस आंदोलन का हो गया है और ऐसे में अब जो स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि फल सब्जियां जो है वो सड़कों पर फेंकनी शुरू कर दी है, दूध जो है वो सड़कों पर गिरना शुरू कर दिया है, ऐसे में स्थिति जो है वो खराब होती जा रही है। इसी को लेकर क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और साथ ही कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने, सुनवाते हैं आपको। नहीं, किसानों को उचित दाम देने के लिए सरकार काम कर रही है और सरकार ने पहली बार लागत से 1.5 गुना दाम देने की घोषणा की है। और भी जो किसानों की समस्याएं हैं, सरकार उसके बारे में पूरी तरह से सचेत है और पूरी तरह से काम कर रही है। जब सरकार काम ना कर रही हो तब तो हड़ताल पे जाना या प्रदर्शन करना वाजिब बात है, लेकिन जब सरकार पहले ही चिंतित है फिर करने की जरूरत नहीं है। बर्बादी के कगार में पहुँचा हुआ है, बेवजह कोई वर्ग नहीं करता। आज आप देख रहे हैं हरियाणा में किसान की क्या हालात हो रही है। दूध के जो कॉपरेटिव के उसमें था सब्सिडी थी, वो भी इन्होंने कम कर दी। जो MSP जो सरसों की, अब तक MSP नहीं मिली, मंडी में पड़ी है सरसों। इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, वजन कम हो रहा है, किसान का घाटा हो रहा है। और ये जो आज किसान आंदोलन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा किसान अपना नुकसान कर रहे हैं, ये उनका नुकसान नहीं है, देश का नुकसान है, प्रदेश का नुकसान है। और जो नुकसान जो कर रहे हो रहा है वो मजबूरी में वो कर रहे हैं, इस गूंगी और बहरी सरकार को सुनाने के लिए कर रहे हैं कि आज किसान बर्बादी के कगार पे है। तो दो पक्ष है, एक सरकार का है जो कहती है कि बेवजह किया जा रहा है आंदोलन, जरूरत नहीं है, सरकार पहले से ही किसानों के हित में कदम उठा रखी है, फैसले ले रखी है। लेकिन विपक्ष का पक्ष ये है कि बेवजह किसान आंदोलन नहीं करता। लेकिन दोनों पक्षों के बीच में किसान है और किसान का सवाल यही है कि किसान का हितैषी कौन है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ है, जवाहर यादव साहब। लागत कम की जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों में ये भी है, और जो मूल्य है वो 1.5 गुना दिया जाए लागत से, इसको लेकर कितना काम किया गया, इस दिशा में कितना काम किया गया कि किसान की लागत कम हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है आपका, सुभाष जी प्रश्न है। एक बार मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को चला तो दो लाइनें मुझे इन पे बोलने की इजाजत दे दी। राजनीति में इतना शर्मनाक बयान कोई नहीं हो सकता जो उस मुख्यमंत्री की कमेटियों का अध्यक्ष रहा हो 2006 में और 2014 तक सरकार रही हो जी, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। जवाहर यादव साहब, उन्होंने इस बात पे बोला जो कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि अनावश्यक है, बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है, उसको लेकर उठाने की देश को प्रदेश को नुकसान है किसानों के इस आंदोलन से। देखिए इतने में मेरी बात खत्म हो जाती है। जो उस कमेटी का अध्यक्ष था 2006 से लेकर 2014 तक, वो ऐसी बातें करे तो शोभा नहीं देते। राजनीति में मैं छोटा बयान मानूंगा। अब आपका विषय है कि लागत मूल्य कम होना चाहिए, निश्चित रूप से लागत मूल्य कम होना चाहिए। वो कैसे होगा लागत मूल्य कम? अगर आप उन्नत बीज देंगे यानी कि फसल ज्यादा होगी। तो हमने बताया कि हमने उन्नत बीज दिए 4 लाख क्विंटल हमने उन्नत बीज दिए। उसके बाद विषय की लागत मूल्य कम कैसे होगी, तो खाद के रेट कम होंगे। हमने खाद के रेट कम किए, एक बार 50 रुपए कम किए, एक बार 75 रुपए कम किए, लगभग 125 रुपए हमारी समय में खाद का रेट कम हुआ। पानी की समुचित व्यवस्था हो, हमने इस बार दक्षिण हरियाणा में पहली बार पानी पहुंचाया। इसके अलावा एक हमारी योजना है नाबार्ड के साथ मिलकर 2000 करोड़ की, अगर वो पानी 7 साल में हमारे पास आ जाएगा और जो 5000 क्यूसिक पानी होगा, यानी कि जो SYL की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, उससे 5 गुना पानी हमें और मिलने लगेगा। वो पानी किसके काम आएगा? वो हरियाणा के किसानों के काम आएगा। हम लखवार योजना, डैम योजना उस पर काम कर रहे हैं, लगातार हम इस पर काम सर, सवाल ये भी है, काम तो कर ही रहे हैं। देखिए आपने कहा उन सब बातों को हम मानेंगे, काम सरकार कर भी रही है, वो थोड़ा बहुत नजर भी आ रहा है, लेकिन 3.5 साल में जितना किया जाना था, जितना समय आप लोगों के पास अभी बचा है, क्या उतना किसानों के लिए किया आप लोगों ने? बड़ी मांग अभी भी बरकरार है, 90% जब हो चुका है काम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों पर, तो 10% सरकार जितना जल्दी हो सके करे, किसानों को जवाब दे, विपक्ष को भी जवाब दे इस मुद्दे पर। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि 90% जो काम हुआ है वो फाइलों पे हुआ है, धरातल पे हुआ है। ये सोल टेस्टिंग की बात करते हैं, सोल टेस्टिंग इन्होंने जो कराई किसानों से कराई कि प्राइवेट कंपनी से कराई है? सरकारी इसमें कोई भी कंपनी ने काम नहीं किया, सारा काम प्राइवेट ने किया, प्राइवेट वालों ने अपने घर बैठे किया है। इन्होंने बीमा योजना, फसल बीमा योजना प्राइवेट कंपनी से कराई है, किसी भी सरकारी एजेंसी का इसमें सहयोग नहीं है, तो किसकी जवाबदेही तय होगी? यानी कि ये सरासर किसानों के सरकार ने फसल बीमा योजना, हालांकि पहले भी थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीजेपी लेकर आ गई, सोल हेल्थ कार्ड का भी सुनिए सर, सुनिए स्वामी इंद्र जी जवाब लेंगे विस्तार से। आपको समय दिया जा रहा है, एक बार भाजपा सरकार ने किसानों के नाम पर कितनी लूट की है
उसका भी अभी हिसाब होना बाकी है। अरे बताइए ना वो क्या लूट किए, बताए तो सही एक बार। आप बताइए दुनिया तो पानी गति पानी आने दो, आप नलवी नहर को बंद कर रहे हैं, आप नलवी नहर वहाँ के किसान चाहते बंद हो, किसान को आप किसान नेता हो, वहाँ के किसानों के एफिडेविट है कांग्रेस की सरकार में, वहाँ के जो अरे आप बाहर से जाके नेतागिरी कर रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए वहाँ के किसानों ने एफिडेविट दिए हुए, वहाँ के किसानों ने निपटा दिया है, पहले भी इस बात पर चर्चा हुई, विपक्ष की ओर से कहा गया आपके शाहबाद से विधायक राज्य मंत्री कृष्ण बेदी साहब की ओर से वो किसान प्रोजेक्ट किए गए थे जिन्होंने सरकार का शुक्रिया कहा, वो सरकार ने ही प्रोजेक्ट किए थे किसान, ये विपक्ष कहता है। हाँ ये विपक्ष कहता है, परंतु जब कांग्रेस की सरकार में किसानों ने एफिडेविट दे रखे हैं कि ये नहर नहीं बननी चाहिए, वो तो हमने नहीं दिला दिए होंगे, उस समय तो हमारी सरकार नहीं थी। 2012 के 13 के अनेकों सरपंचों के एफिडेविट उस समय कांग्रेस की सरकार में वहां जमा है कि ये नहर बंद करनी चाहिए, राकेश जी जवाब, वो तो हमने नहीं दिला दिए होंगे। और किसान नेता जी को अध्ययन इस चीज का है नहीं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया। आप ये बताए भावांतर योजना कैसे किसानों के लिए लाभकारी नहीं है, आप उत्तर दीजिए। जितना फायदा किसान को यादव साहब नहर बनने से होना था, जितना फायदा किसान को नहर बनने से होना था यादव साहब, वो चंद लोगों के आप जैसे लोगों ने एफिडेविट लेके उनका मुरा बना के इसको बंद करने का काम किया नहर को, ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी बात आपकी सरकार के दौरान एफिडेविट दिया गया कि नहर को बंद कर दिया जाए, किसानों की ओर से कहा गया, यादव साहब का पक्ष है ये, ऐसा कुछ नहीं। ज्योति जी चंद लोग इन्होंने किसी गांव में से एक आदमी दो आदमी लेके उनसे एफिडेविट लेके, ऐसा कुछ नहीं, मेजोरिटी ऑफ जो किसान थे उन्होंने उसका पक्ष लिया था नहर बनाने का और तभी सरकार ने बनाई थी। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा यादव साहब को, पीनो ने कहा कि हमने खाद की कीमत कम की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान को खाद मिला ही नहीं, चार चार घंटे छह छह घंटे लाइन में लगे किसान वापस आए, ये सभी अखबारों में भी छपा है और मीडिया में भी आई ये बात, ये और रही बात बढ़िया बीज देने की, एक मिनट लूंगा, थानों में खाद तो पहली बार की मिला है, विपक्ष ने ये भी कहा, हालांकि इस तरह की शुरुआती तौर पर तस्वीरें भी सामने आई थी, इन्होंने पहली बार लगाया किसान खाद के लिए, और दूसरी बात इन्होंने कहा हमने अच्छा बीज दिया। मैं बताता हूँ आपको, जो एक समय तय होता है फसल बोने के लिए यादव साहब एक समय तय होता है फसल बोने के लिए, और जब वो समय निकल गया उसके बाद हजारों टन आपने किसी कंपनी से मिलके बीज बाजार में डाल दिया और वो बीज बिका नहीं आपका, फिर आप उसमें चार सीट करते हैं अफसरों को। पर कि जादूपुर नलवी नहर को लेकर एसवाईएल नहर को लेकर पैरोकार तो आप लोग भी किसानों के बनते हैं, लेकिन सरकार ने जितने कदम उठाए हैं क्या स्थिति पहले से बेहतर करने के लिए नजर नहीं आता आप लोगों को? ज्योति जी ऐसे है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ऐसी सरकार इनकी आई है, ये क्या करते हैं जब जब कोई भी आंदोलन होता है तो उस आंदोलन को तोड़ने के लिए, अब जैसे ये नहर की बात चल रही है, नहर में जैसे शर्मा जी ने कहा कि भी एफिडेविट ले लेके इन्होंने वापस करके ने उसको गोलमोल करके छोड़ दिया, ऐसे ही आंदोलन को मैं आपको ये बता रहा हूँ, दो दिन चार दिन में किसानों के आंदोलन में क्या करेंगे, ये एक एक करके तोड़ने शुरू कर देते हैं। पहले सरपंचों का आंदोलन शुरू हुआ, सरपंच बुलाने शुरू कर दिए, एक एक दो दो करके चार चार करके उसको प्रधान, खुद अपने आप प्रधान बना देते हैं ये लोग कि भी ये प्रधान है जी, इसका बयान आ गया जी, हम हमारे काम हो गए जी सब। मैं आपको यादव साहब बात सुन लीजिए, आप आप मुझे ये बताइए, स्वामीनाथन रिपोर्ट में क्या आपने ये मुद्दा नहीं रखा, क्या किसानों का जो बीमा कराया गया है उसके अंदर आपने फसल को उसका फसल को व्यापारी तक जाने मंडी तक जाने के लिए बीमा किया, और वो बीमा आप ये सिर्फ ये बता दीजिए उस बीमा कंपनी को फायदा कितना हुआ है, किसानों को वो कितना दिया उसने, वो बीमा मैं आपको बता दूं, वो बीमा कंपनी पे ऑफ कितना किया गया है, जितना क्लेम किया गया उसका कितना फीसदी किसानों को दिया गया, कितना दिया गया ये बता दीजिए बस। अब इसका उत्तर लीजिए कितनी अजीब बात है, जिस मुख्यमंत्री की पार्टी ने 2004 में ये लागू किया, रिकॉर्ड में फिर बोल रहा हूँ, उनका नाम श्री ओम प्रकाश चौटाला है, और वो 7% प्रीमियम लेते थे, हम 1.5 से 2% प्रीमियम लेते हैं किसानों से, वो 7% लेते थे, और ये किसानों के प्रोपकार बनते हैं। 21 ब्लॉक में आपने शुरू किया, रिकॉर्ड पे चीजें दे देता हूँ आपको, कुछ भी बोल देंगे आप टीवी डिबेट में बैठ के, 7% किसानों से छीनते थे आप, हम 1.5 से 2% देते हैं, और आपके समय में उसके एवज में 12 से 16 हजार रूपए मिलते थे, हम 25 हजार रूपए देते हैं। सही है, ना सही है, वो तो सही है, क्या आप टीवी डिबेट को दिया आप जिस टाइम 12 से 16 हजार, एक मिनट, जितना क्लेम किया गया मैं यादव साहब का जवाब देना चाहूंगा, जब 12 से 16 हजार रूपए देते थे आप कह रहे हैं,
15 साल पहले 1216,000 आज 25,000 का आप मूल्य कर लीजिए। कम से कम 40,000 रुपए बनता है यादव साहब, 40,000 रुपए देना चाहिए। 7% प्रीमियम, 7%। आप ये बात कर रहे हैं 1216,000 रुपए 2005-04 में देते थे, 2004 से अब कितना मिलना चाहिए किसान को? ये सवाल जो है प्रीमियम को लेकर पूछ रहे हैं यादव साहब। 7% प्रीमियम लेते थे आप, 7%। और फिर चुनाव के समय अरब अच्छी अच्छी चीज थी तो चुनाव के वर्ष में वापिस क्यों ले ली? अगर बहुत सीधा सवाल ये था, बता दीजिए उस कंपनी ने जिस बीमा कंपनी ने बीमा किया है उसका प्रॉफिट कितना है और कितना उसने किसानों को दिया है? बस इसके किसानों को दे दीजिए, हमारे को नहीं चाहिए, पार्टी को नहीं चाहिए, किसी को भी, आप किसानों को दे दीजिए। हाँ, कौन कंपनी है, कहाँ से कंपनी आई है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बताइए जी, आपका दिलबाग जी, ये आपका वाजिब उत्तर है, बिल्कुल है कि कंपनी को कितना गया और किसानों को कितना गया। किसानों का तो मैं बताता हूँ, परंतु कंपनी से लेने का नेचर आपका, इसलिए मुझे नहीं पता कंपनी को कितना गया, ये भी ध्यान में रखना पड़ता है जी। ये तो भाई साहब जो वसूली करती है ना सरकारें, उनको पता होता है कि कंपनी को कितना गया। मेरा किसानों ने जितना क्लेम किया नुकसान को लेकर उसका कितना फीसदी देते हैं आप लोग? 100% मिला उसका, 100% मिला। शामिंद्र जी, 50 आदमियों का नाम बता दो यादव साहब, पूरे हरियाणा में किसको दिया आपने? 50 आदमियों का नाम ले दो आप, किसको दिया? 10 लाख का चेक भी किसानों को पहली बार मिला बीमा योजना के तहत। शामिंद्र जी, आपने फोन लाइन पर, पूरे हरियाणा के अंदर, मैं बता देता हूँ, पूरे हरियाणा के अंदर इनके 2-4 मंत्रियों को छोड़ के किसी को नहीं मिला। खड़के एरिया को छोड़ दो और कैप्टन अभिमन्यु के एरिया को छोड़ दो, बाकी पूरे हरियाणा में किसी को भी कोई पैसा नहीं मिला। ज्योति जी 10 सेकंड केवल, ज्योति जी केवल 10 सेकंड। इन्हें लोग प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि या तो अपने धनखड़ जी के एरिया में मिला या कैप्टन साहब के एरिया में मिला। मैं इनको चुनौती देता हूँ, अगर इनके तथ्य ठीक होंगे मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर मेरे तथ्य ठीक है तो ये राजनीति छोड़ दे। यही संस्कार है, कुछ भी झूठ बोल देंगे टीवी के खिलाफ है। झूठ बोल देंगे की कोई बुनियाद है भी या फिर नहीं, जवाब लेंगे नैन साहब से। लेकिन उससे पहले हम किसानों का पक्ष एक बार के लिए जान लें। स्वामी इंद्र जी, अभी कहा गया जवाहर यादव साहब की ओर से कि जितना भी किसान क्लेम करते हैं 100% उनको मिल जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, बताइए। आपकी मुझे आवाज क्लियर सुनाई दी, प्रश्न क्या था? फिर से मैं सवाल दोहरा दूं, मैंने सवाल किया जवाहर यादव साहब से कि किसान जितना क्लेम करते हैं जो बीमा कंपनियां हैं कितना लौटाती हैं किसानों को, कितना दिया जाता है पैसा? इनका कहना है कि 100% जितना नुकसान होता है बीमा कंपनियों की ओर से दिया जा रहा है। फिर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं ये बता दूं, जिन बीमा कंपनियों ने किसानों का इंश्योरेंस किया है फसल बीमा के तहत, वो बैंकों के द्वारा हुआ है, ना कि इंश्योरेंस कंपनी ने खुद किया है। ठीक है, ना ही तो उनका न्यूडल ऑफिसर है बीच में, ना ही उनका फील्ड ऑफिसर बीच में है। वो किसी कंपनी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ऑफिस भी नहीं है। जिस कंपनी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ऑफिस ही नहीं है, किसान किसको कैसे कहेगा? किसान को अपने डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर पास जाना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर ये बोलता है कि मेरे पास किसी भी ऐसे एजेंसी के आदमी का एड्रेस नहीं है जिसने आपका बीमा किया है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर किसान को फिर उसको बताया जाता है कि 48 घंटे में आपने अपनी फसल के बारे में आके बताना है, आप तो लेट हो गए हैं, तो बताइए बीमा कैसे मिलेगा? ना तो कंपनी का आदमी, मैंने जब कंपनी वाले से बात की, हेडक्वार्टर जाके इनके चंडीगढ़ में बात की, दिल्ली जाके बात की, मुझे वो बोल रही है कि हमारे को इंश्योरेंस रेगुलेटरी है उसके मुताबिक हमें 3 साल का एग्जम्पशन है। सरकार के फैसले शुरुआती तौर पर पहली नजर में अच्छे लगते हैं, लेकिन किसान जितनी कमियां निकालते हैं, ई मंडियों की बात कर ली जाए, अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर ली जाए, भावांतर योजना की बात कर ली जाए, ये इतनी खामियां क्यों हैं? क्या अनुभव की कमी है?
अनुभव की कमी नहीं है, या फिर किसानों को सकारात्मक नजर में नहीं आता? नहीं, ये अनुभव की कमी नहीं है, ये इंटेंट का मामला है, ये नीयत की कमी है। नीति में ये नीयत का सवाल है, वास्तव में इनकी नीयत में खोट है। नहीं नहीं, किसानों को सीधा सीधा फर्जी तौर पर ये सिर्फ भारतीय नहीं है स्वामी जी, आम आदमी स्वामी जी, आप मेरी बात सुना, ये बात भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, ना ही कांग्रेस, ना ही ये INLD की है। मैं जब नियत की बात करता हूँ तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप की नियत की बात करता हूँ मैं। हाँ। उनकी नियत में खोट है, और उन पॉलिटिकल लीडरशिप की नियत में खोट है, प्लस जो फार्मर्स के जो लीडरशिप है उसके भी नियत में खोट है, इसलिए फार्मर्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। और इतने कंफ्यूजन से फार्मर्स के लिए इतने अच्छे कामों के दावे किए जाते हैं, फार्मर्स बेचारों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, वो बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि सारे लोग हमारे हित में काम कर रहे हैं और हमारी स्थिति तो दुर्दशा बनती जा रही है। इसका इसका कारण मैं बताता हूँ। हमने अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में फार्मर्स को किस प्रकार सरकार सपोर्ट देती है, इसराइल में किस प्रकार देती है, आप इसराइल जाते हैं तो वहां से आप सीखते क्या है। अभी मैं छोटा सा तो एक, एक सेकंड, बड़े बड़े कंट्रीज में जहां फार्मर्स लार्ज स्केल पे फार्मिंग करता है, जहां जिस कंट्री के साइज हमारे साइज से 5 गुना ज्यादा है, कनाडा में कैसे फार्मर्स को हेल्प करते हैं, हमें सीखनी चाहिए। हाँ। एक छोटा सा मैं ज्योति एग्जांपल दूंगा कि तेलंगाना में सरकार ने फार्मर्स को एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी दी है। हाँ। कि आपका हेल्थ एजुकेशन प्लस अगर क्रॉप लॉस होता है तो उसमें एक एक्यूमुलेटेड अमाउंट उनको दिया गया है, और उसका बेनिफिट भी है। फसल का ही बीमा क्यों किया जाए, किसानों का बीमा भी करे ना सरकार, नहीं सारा चीज इसमें है। अब इसमें 75 इन्होंने इंश्योरेंस स्कीम दे रखे हैं, फसल बीमा होता नहीं है, पैसा नहीं मिलता है। देखिए इंश्योरेंस ये देखिए बिजनेस है, मैं इंश्योरेंस हूँ, हमें तो आपको प्रीमियम देना ही पड़ेगा। फसल अगर आपका 10 साल खराब नहीं होता है तो 10 साल हम प्रॉफिट कमाएंगे, ये वेरी सिंपल है। इसमें इसमें ये इशू नहीं है, इशू यह है कि फार्मर्स के लिए जो आप काम करते हैं। सवाल आपसे ये भी है, हमारे कृषि मंत्री भी इजराइल जाकर आए, सीएम भी इजराइल गए, हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है इजराइल गए थे, सीख कर क्या आते हैं आप लोग, किसानों की स्थिति वही ढाके तीन पाक, सिर्फ एक योजना ला देने से काम खत्म नहीं हो जाता है। मैं बताता हूँ, अभी राजीव जी ने तेलंगाना का उदाहरण दिया और उसमें बताया, हमारे यहाँ किसान का भी बीमा है, उसके लिए किसान को बीमा कराने की जरूरत नहीं। किसान को खेत में करते हुए अगर कोई दुर्घटना घटती है उसकी एवज में उसको पैसा मिलता ही है, उसके लिए बीमा कराने की जरूरत नहीं, उसका पैसा प्रदेश की सरकार ऑलरेडी देती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं यादव जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ अपनी बात, उसके बाद उसके इनका प्रश्न था क्योंकि मुझे लगता था इन्होंने उसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने एक तो उसको दुरुस्त किया। अब मैं कहना चाहता हूँ, एक तो स्वामी जी सर एक नैन साहब से इन्होंने दोनों बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए थे, उसपे मैं इनको प्रार्थना के साथ नम्र निवेदन के साथ आग्रह करता हूँ। नैन साहब के मुझे दोनों चुनौतियां स्वीकार है कि केवल धनखड़ जी और क्या नाम है कैप्टन साहब के एरिया में मुआवजा मिला फसल बीमा योजना का, और स्वामी जी की भी मुझे चुनौती है कि लोगों को चक्कर काटना पड़ा और मुआवजा नहीं है। मंडे को सारे तथ्य ज्योति जी मैं आपके व्हाट्सएप पर डालता हूँ, अगर मेरे तथ्य गलत लगे दोनों से कह दीजिए। किसान के बीमा को लेकर अभी थोड़ा पेच मुझे लगता है, ये जो मैंने बोला है किसान की अगर काम करते वक्त 250 करोड़ रुपए किसानों को मिला फसल बीमा योजना के तहत, 250 करोड़ रुपए आपको तथ्यों की जानकारी लेकर बैठना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे चर्चा में। दो हलकों में कितना मिला, बाकी 20 हलकों के अपना 88 हलकों में कितना मिला ये बता दो। आप इसका भी उत्तर ले लीजिए, बता दो इसका भी उत्तर ले लीजिए। बड़ी दो हलकों में टोटल जब आप ज्योति जी को किसान हड़ताल पर है, इसमें मांग है उनकी कर्ज माफी की। स्वामीनाथन आयोग की आप कहते हैं 90% लागू हो गई, लेकिन 10% जो बची है उससे कब तक लागू करेंगे ये बताइए। कर्ज माफी की मांग है उसको लेकर सरकार का क्या पक्ष है ये भी बताइए। आप यहाँ पर किसानों का आंदोलन कैसे खत्म कराएंगे? बहुत बड़ा सवाल। अब मेरा निवेदन है कि मैं ना उत्तर देना चाहता हूँ, पहले अपने मित्र का दूंगा उसके बाद आपका दूंगा, इनके मित्र के लिए 15 सेकंड सर, 2 ही मिनट है हमारे पास। हाँ, हमने शुरू में 1100 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जब हमारी सरकार आई, और 5 जो सबसे महत्वपूर्ण जिले थे उनमें से जो 3 वो थे जहाँ सबसे अधिक मुआवजा मिला, उसमें से जहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, पहले नंबर पे पलवल था जहाँ 200 करोड़ से ऊपर मुआवजा मिला। ये MLO की राजनीति आप करते होंगे, हम नहीं करते।
पांच में से तीन जिले होते हैं जहां सबसे अधिक मुआवजा मिला, जहां भाजपा एक भी एमएलए नहीं, वो सिरसा है, वो नूह जिला है, वो पलवल जिला है। इसलिए अध्ययन कीजिएगा, मेरा आपसे निवेदन है। अब आपने कहा कि ये जो हमारी इनकी मांग है उस पर क्या करेंगे, हम इन सभी मांगों के लिए हम गंभीर है, गंभीरता से इस पे काम कर रहे हैं। हम ये मानते हैं जब हमने 90% चीजें ठीक की है तो जो रेट का विषय है इसको भी आने वाले सर आगे बढ़ लेते हैं। दो ही मिनट बचे हैं, मेहमान कई हैं हमारे साथ। नैन साहब, दूसरा दिन है, कर्ज माफी के ऊपर सरकार विचार करने वाली है। खुद क्या है कि चलिए इस बात का जवाब दीजिएगा कि कर्ज माफी को लेकर आपका स्टैंड क्या है। जवाहर यादव साहब, इस बात का जवाब तैयार रखिएगा। फिलहाल नैन साहब ये बताइए, दूसरा दिन थे, सीएम की ओर से कह दिया गया कि किसी भी तरह की व्यवस्था को अवरुद्ध किया जाएगा तो एक्शन ले लेंगे। क्या लगता है सरकार बैठकर बातचीत करके किसी तरह का ठोस आश्वासन देकर इस आंदोलन को खत्म करवाने की मंशा रखती है? देखो, सरकार ऐसी कोई मंशा नहीं रखती कि इस आंदोलन को इस तरीके से खत्म किया जाए, क्योंकि इनकी आदत रही है शुरू से। आप ये देखो, सबसे ज्यादा आंदोलन इसी सरकार में हुए हैं, ये भी एक रिकॉर्ड बन चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सबसे ज्यादा हरियाणा में भी आंदोलन हुए और पूरे देश में भी आंदोलन, और विपक्ष उन्हीं मांगों को लेकर पहुंच जाता है धरना स्थल पर या आंदोलन जहां किया जा रहा है, जो अपनी सरकार के वक्त पूरा नहीं कर पाया था, उन्हीं मांगों को लेकर आप लोग समर्थन दे देते हैं? नहीं, हम तो समर्थन जांच देते हैं, जैसे किसान के मुद्दे हैं, किसान स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं, ज्योति जी मुझे बताइए, स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो भाव का वो था, इन्होंने 2014 में दिया था कि नहीं दिया था? दिया था तो अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ? वो जो मुद्दा है किसान के लिए, वो नंबर वन मुद्दा है। और जो 201 मुद्दे थे, उनमें से सबसे पहला 50% से ज्यादा 60% तो ये है। आखिरी सवाल ये बताइए, किसानों की कर्ज माफी की जो मांग है, क्या उस पर सरकार विचार कर रही है? अब देखिए, जो किसानों पे कर्जा क्यों हुआ, किसानों पे कर्जा हुआ कांग्रेस के इन्हीं की नीतियों के कारण। सर जनादेश, आप किसानों को सक्षम बनाना चाहते हैं, हम किसानों को सक्षम बनाना चाहते हैं। अगर सरकार नहीं कर सकती है, अगर पिछली सरकार के दौरान कर्ज माफी किसानों के ऊपर, तो फिर क्यों इतने वादे किए जाते हैं कि हम वे माफ कर देंगे? प्रदेश क्यों पिछड़ रहा है इस मामले से? चलिए, माफी के साथ आप दोनों को ही रोकूंगी क्योंकि समय इजाजत नहीं देगा आगे चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए, वक्त देने के लिए। दूसरा दिन है आंदोलन का, सरकार के मुखिया ने साफ कर दिया है व्यवस्था बिगड़ी तो एक्शन लेंगे। विपक्ष है एक बार फिर से आंदोलनकारियों यानी किसानों के साथ है, लेकिन 10 दिन बाद क्या होना है, क्योंकि 10 दिन बाद देश बंद का आह्वान भी किसानों की ओर से किया गया है, इस पर नजर जरूर रहेगी। हालांकि स्थिति अभी से जो नजर आ रही है, किसानों का आंदोलन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है उसी यही स्थिति नजर आ रही है। 10 दिन है किसानों का आंदोलन, ऐसे में क्या रुख ये आंदोलन लेता हुआ नजर आएगा, इस पर भी नजर रहेगी।